नमस्कार, आई एम नीलेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, प्रिंसिपल फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अलीगढ़। FCI अलीगढ़ वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1984 एंड इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट रनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ यूपी। FCI अलीगढ़ हैड बीन अवार्डेड बेस्ट फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट फॉर ऑल राउंड परफॉर्मेंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Our students are placed in reputed hotels of country and in different parts of the world because of the focused delivery of academics and practical simulations. We award scholarship to students for pursuing these courses. We advise you to subscribe this channel for gaining first-hand information when we upload a module. Thank you and Namaskar. Jai. नमस्कार एंड वेलकम टू फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अलीगढ़। माय नेम इज हिमांशु और बेकरी के ई प्रैक्टिकल सीरीज में आज हम बनाएंगे मड पाई। मड पाई बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी वो है एग, डिवाइन फ्लावर, बटर, कास्टर्ड शुगर, कोकोआ पाउडर एंड डार्क चॉकलेट। इससे पहले हम एक बिस्किट का बेस बनाएंगे जिसको कि हम मोल्ड के बेस में सेट करेंगे। बिस्किट का बेस बनाने के लिए हमको चाहिए रिफाइंड फ्लावर, बटर और आइसिंग शुगर एंड अ पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर। बिस्किट का बेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्लीन बाउल में आप बटर लेंगे 50 ग्राम्स। 50 ग्राम मैंने बटर लिया है और 50 ग्राम आइसिंग शुगर। अब एक हैंड ब्लेंडर की हेल्प से हम इसको, बटर और शुगर हमारा हल्का क्रीम हो गया है। अब हम इसमें फ्लावर डाल के विद बेकिंग पाउडर हल्के हाथ से उसकी रबिंग करेंगे। फ्लावर को हमको हल्के हाथ से रबिंग करनी है बटर का और शुगर के साथ। ये हमारी रबिंग हो चुकी है। अब हम इसको हल्का सा कोल्ड वाटर का छींटा मार के हम डो को बाइंड करेंगे। ठंडे पानी का छींटा मारना है थोड़ा थोड़ा करके और इसको हमको बाइंड करना है। हल्का हल्का कोल्ड वाटर इसमें हम डाल के बाइंड करेंगे। डो हमारा बाइंड हो चुका है। अब इसको हमें सेलोफिन में रैप करके फ्रिज में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। डो हमारा सेट हो चुका है। अब हम रोलिंग पिन की हेल्प से इसको थोड़ा सा रोल करेंगे। बिस्किट का बेस हमने मोल्ड के बेस में सेट कर दिया है। अब हम बेस को कम से कम 15 मिनट के लिए अवन में बेक करेंगे। उसके बाद हम मड पाई का बैटर बना के इसमें पोर करके फिर उसको बेक करेंगे। बिस्किट का बेस हमारा बेक हो रहा है। अब हम बनाएंगे मड पाई का बैटर। मड पाई का बैटर बनाने के लिए आपको चाहिए 125 ग्राम ऑफ डार्क चॉकलेट, 15 ग्राम्स ऑफ कोकोआ पाउडर, 125 ग्राम्स ऑफ बटर, 125 ग्राम्स ऑफ कैस्टर्ड शुगर एंड 80 ग्राम फ्लावर एंड 3 एग्स। बटर और चॉकलेट हमने ले ली है। अब हम इसको डबल बॉयलर पे मेल्ट करेंगे। 3x ब्रेक कर लिए हमने और उसमें 125 ग्राम शुगर ले लिए। इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड करेंगे, अप्रॉक्स 5 ml। अब हम इसको बीट कर लेंगे।
एग्स हमारे हो चुके हैं, अब हम मेल्टेड बटर और चॉकलेट को इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम अपने प्रिपेयर्ड बैटर में फ्लावर, 80 ग्राम ऑफ फ्लावर एंड 15 ग्राम ऑफ कोकोआ पाउडर सीप करके डालेंगे। प्रिपेयर्ड बैटर को केक टिन में डालेंगे। बैटर हमने केक टिन में पोर कर दिया है। अब हम इसको प्री हीटेड ओवन में अप्रॉक्स 180 डिग्री सेल्सियस पे 30-35 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। प्रोडक्ट हमारा बेक हो चुका है। इसको आप ठंडा करने के बाद डीमोल्ड करें, उसके बाद इसके स्लाइसेस करें, उस पर चॉकलेट सॉस या गिनाश पोर करके वनीला आइसिंग के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें।